नेपाल नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है ये भाई साहब, पूरा का पूरा फायर है। और फायरिंग ऐसी है कि जिस पाकिस्तान को यूएसए ने यूएसए में वर्ल्ड कप में हरा दिया था, उस यूएसए को नेपाल ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से हरा दिया। क्लीन स्वीप, मतलब डोमिनेंस जिसे कहते हैं, नेपाल ने वो दिखाया। कमाल का मैच था। 156 रन यूएसए ने बनाए थे और यूएसए के पास ढंग के गेंदबाज हैं, मतलब अच्छे अच्छे बॉलर्स उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद नेपाल का जो डोमिनेंस था वो कमाल का था यार। मतलब नेपाल के बल्लेबाजों ने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया और 8 विकेट से मैच जीत लिया। बड़ी जीत है भाई साहब। पिछला मैच जब सुपर ओवर में गया था, नेपाल कमजोर थोड़ा पड़ रहा था, तो काफी लोगों ने कहा कि यार ये तुक्का था, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देख रहे हो 3 के 3 मैच नेपाल ने जीते हैं, तो फिर एक बार तो नेपाल क्रिकेट के लिए तालियां बजती हैं। 3-0 क्लीन स्वीप। आसिफ शेख 50 रन ठोकते हैं, उसके बाद कुशल और भुरतल और मल्ला दोनों ने जबरदस्त पारी खेली, एक ने बनाए 40, एक ने बनाए 44। लेकिन सबसे अच्छी कहानी सोमपाल की थी जो लगातार छाए रहे, और यही वजह है कि नेपाल ने ये डोमिनेट किया, 3-0 से वाइट वॉश कर दिया, उस टीम को हराया जिसने वर्ल्ड कप में ये बताया था कि यार उसमें पोटेंशियल है। यूएसए की टीम के पोटेंशियल इसलिए बात होती है क्योंकि यूएसए की टीम में इंडिया पाकिस्तान ने कई खिलाड़ी हैं, और ये माना जाता है कि यार इंडियन पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ जाकर सेटल्ड हुए हैं, वो अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। जैसे सौरभ नेत्रवलकर है, अब सौरभ नेत्रवलकर अच्छे बॉलर हैं, हो सकता है इस साल आईपीएल भी खेलने का मौका मिल जाए। 4 ओवर में 28 रन दिए उन्होंने, लेकिन ओवरऑल नेपाल ने डोमिनेंस दिखाया और बताया कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है, आप में स्किल है, तो फिर आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, अपने क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और ये नेपाल की तारीफ बनती है। 8 विकेट से ये मैच जीतना आसान नहीं था, 3-0 सीरीज जीती है। पहला मैच नेपाल ने 17 रन जीता था, अगेन वो भी इंटरेस्टिंग मैच था, नेपाल ने 164 बनाए थे, यूएसए 147 पर रह गया था। सेकेंड मैच सुपर ओवर तक गया था, 170 नेपाल ने बनाए थे, यूएसए ने अच्छा खेला था, बट सुपर ओवर में नेपाल ने बताया कि उनकी क्लास क्या है और 4 बॉल में मैच जीत लिया था बिना विकेट गवाए, तो वो इंटरेस्टिंग था। थर्ड मैच अगेन इट वॉज वन साइड शो, 156 यूएसए ने बनाए, नेपाल ने कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया, 18 ओवर 4 गेंद में 8 विकेट रहते, अगर आप मैच जीतते हो तो आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और इसी वजह से आज जो फैंस हैं नेपाल क्रिकेट के वो भी एकदम चौड़े में मौज काट रहे हैं, एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना यार, उनके बॉलर सोमपाल जैसे अगर बॉलर आपके पास हैं, 4 ओवर 27 रन 3 विकेट यूएसए के सामने, यूएसए के ऑलमोस्ट सारे बल्लेबाज फ्लॉप थे, कैप्टन मोनांग पटेल हर मैच में फ्लॉप रहे, बैक टू बैक फ्लॉप रहे, केवल एक गाउस जो है उनको बातें होती थी वो भी नहीं चले, इस बार मिलिंद कुमार थोड़ा बहुत चले और एक दो प्लेयर और चले, बट उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था कि वो इस मैच को डोमिनेट कर सके, और इसीलिए नेपाल क्रिकेट के फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब इंडिया नंबर 1, अफगानिस्तान नंबर 2, और क्या हम नंबर 3। अब मतलब पाकिस्तान पर दावा ठोक रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब पिछली बार बाबर भाई ने शतक मार दिया था, लेकिन इस बार नेपाल भी कह रही कि हमसे मुकाबला करोगे, आसानी जीतने नहीं देंगे, 3 नंबर पर हम भी दावा ठोकेंगे। मतलब यह सोचना भी अगर किसी फैन ने सोचा तो बड़ी बात है यार, पाकिस्तान यूएसए से आ रहा था, यूएसए को नेपाल पीट रहा है, 3-0 से हरा यार। कुशल अगेन, कुशल भुरतल, कुशल मल्ला, सब कमाल के लड़के हैं, अब तो कई लड़के ऐसे हो गए जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, और वाइट वॉश करना एक बड़ी बात है। सोमपाल कामी जबरदस्त परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस का असर था कि उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर मैं कह रहा हूं, ये वही नेपाल क्रिकेट है जो संसाधनों की कमी से जूझता रहा है, ये वही नेपाल क्रिकेट है जिसको इतनी लाइमलाइट लोगों ने नहीं दी थी, लेकिन अब नेपाल राइज कर रहा है और बता रहा है कि अगर हौसला हो, हिम्मत हो, जज्बा हो और पीछे से फैंस का सपोर्ट हो तो आदमी कर सकता है, और यही वो करके दिखा रहा है। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, हर अगली सीरीज में पिछली सीरीज से बेहतर होना। मुझे अभी भी याद है वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका वाला मैच, मैं बार बार कह रहा हूं, वो मैच नेपाल का था, आपने डिफेंडिंग चैंपियन को ऑलमोस्ट हरा दिया था, और उस वक्त आपकी तारीफ होनी चाहिए थी, जितनी तारीफ होती उतना कम था। अब आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, यूएसए को 3 मैच हराना इंटरेस्टिंग, आपने यूएसए को हराया, स्कॉटलैंड को आपने पीछे पटका था, नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ देखकर एज अ इंडियन अच्छा लगता है, हमेशा वो हमें प्यार करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, तो वेल प्लेड नेपाल क्रिकेट,
लेकिन अगली बार साउथ अफ्रीका को भी हराना यार। वो जो एक रन से आप हार गए थे, मुझे अभी भी उसकी टीस है। गजब। बांग्लादेश को भी आपने टफ फाइट दी थी। सो ये तुक्का नहीं, ये दशकों की हार्डवर्क का नतीजा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द वे अफगानिस्तान क्रिकेट ने राइज किया। हमारा एक पड़ोसी अफगानिस्तान में राइज किया और दूसरा पड़ोसी हमारा नेपाल जिस तरह से राइज किया। तो नेपाल क्रिकेट के लिए एक बार जोरदार तालियां, नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए तालियां। एंड लेट्स जस्ट होप कि आगे आने वाले समय में और जब आपके पास सीरीज आएगी, जब आप और अच्छी टीमों से मुकाबला करेंगे, तो वहां पर आपकी और अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी और ये सीरीज जीतने का जो कॉन्फिडेंस है इसका रिजल्ट वहां भी देखने को मिलेगा।